चिल्लाती नदी में घुस गई। बेचारी ने कुछ ऐसी वैसी चीज खा ली थी शायद, जिससे उसके सारे प्राणियों को क्या पता क्या खाना चाहिए क्या नहीं, शामू बतलाता है। तब शामू धीरे से कहता है, क्यों बता रही हो रामू, इसकी वजह तो हम ही है ना, बेचारी वजह से ही मारी गई, सच बताने में क्या हर्ज है। रामू कहता है, हम अगर सच भी बताएंगे तो कोई यकीन नहीं करेगा हम पर, हमने जानबूझकर उसे मार दिया ऐसा आरोप हम पर लगा, देखो भगवान के लिए इस बात को यही भूल जाते हैं। शामू भी इस बात को मान लेता है। इस तरह सच्चाई को वो दोनों अपने दिल में छुपा देते हैं। उसका दर्द देख नहीं सकते ना ही बयां कर सकते हैं, उसके दुख की कल्पना नहीं की जा सकती। ऐसा लगता है सारी गांव वालों की आंखें नम हो जाती है। लेकिन ये रामू और शामू भी किसी को सच नहीं बताते बताते हैं। रामू और शामू अपने करतूत पर बहुत शर्मिंदा है। हमने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, बेचारी हथनी की जान हमारी वजह से गई, मुझे अपने आप पर घिन आ रही है। हाँ रामू सही कह रहे हो, बेचारी गर्भवती भी थी, उसके और उसके बच्चे की हत्या का पाप हमारे सिर है, हमारी नजर उस पर ना पड़ती तो शायद जो खाने को